आयेंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जीतने के बाद घोषणा पत्र को अक्षराक्षर लागू करेगी। देखिए सहसपुर विधानसभा से जनखबर की एक खास रिपोर्ट। अक्षराक्षर हम उसके लागू करेंगे, ये हमारा पहले भी हमने करके दिखाया है, आगे भी हम करेंगे और लोगों को आशा है कि कांग्रेस का जो प्रतिज्ञा जो उसने दिया है पत्र, वो उस पर यकीन करती है, कांग्रेस काम करती है और कांग्रेस का घोषणा पत्र धरातल पर उतरेगा। अब वो बहुत डिटेल में है, उसमें बेरोजगारों के लिए बात की गई है, महिलाओं के लिए और हमारे रसोई सिलेंडर से लेके हमने महंगाई पर बात की है जो राज्य सरकार के हाथ में हो सकता है, तो उन सब चीज़ों पर हमने चहुमुखी विकास के लिए हमने वायदा किया है कि अपने इस उत्तराखंड के लिए आम जन के लिए हम उसके विकास के लिए जो भी उसके जनहित के काम है वो सब हमारे घोषणा पत्र में है। देखिए हमने कहा कि हम 5 साल में जो हमने कहा है घोषणा पत्र में उसको हम अक्षर लागू करेंगे। मेरा अपनी जनता के लिए जो विकास के कार्य हैं, हमने युवा बेरोजगारी है, हमने पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक करना है और हमारा जो शीशमबाड़ा कूड़ा घर है उसमें कानूनी दाव पेश देकर कि क्या उसमें हो सकता है, उसके लिए जल्दी ही हम शीघ्र निस्तारण करें वहां से अन्य स्थान पर, तो सारे इन चीज़ों को देखकर हम कि हमारी महिलाओं के लिए क्या काम मिले, हम वहाँ के विकास के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे कि शीघ्र उन सभी समस्याओं का निराकरण हो सके जो हमारी जनता की मांग है। चार धाम चार काम, हमने जो है 4 लाख लोगों के लिए बेरोजगारों के लिए युवा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पेयजल है और हमने 500 रुपए से सिलेंडर जो है वो ज्यादा नहीं जाने देंगे।